वीवर, अगर आप भी परेशान हैं, आपका भी जायज़ के सिम से बैलेंस कट जाता है, बैलेंस जो है वो खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिकली यानी कि उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, आपने 100 रुपये का 200 रुपये का बैलेंस करवाया लेकिन 2 से 3 दिन के बाद आपने कोई 2-4 कॉल्स की होंगी या थोड़ा सा आपने जो है वो SMS किए होंगे और आपका जो बैलेंस है वो ज़ाया हो जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके सिम पर कौन सी ऐसी सर्विसज एक्टिवेट हैं जिनकी वजह से आपका बैलेंस कटता है, और आपको एक ऐसा कोड भी बताऊँगा, अगर आप अपनी जायज़ के सिम पर इस कोड को डायल कर लेंगे ना तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपका पैकेज लगा हो या ना लगा हो, लेकिन इंटरनेट गलती से हमारे पास कभी कभी ऑन हो जाता है और हमारा जो बैलेंस है वो उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट ऑन हो और आपके सिम में बैलेंस और पैकेज भी ना हो तो आपका आपको पता होगा कि बैलेंस आपका ज़ाया हो जाता है, लेकिन आपने अगर ये कोड डायल किया होगा अपनी जायज़ के सिम पर तो आपका कभी भी बैलेंस नहीं कटेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो बातें ज़्यादा नहीं करते, आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ, आपने सबसे पहले एक कोड डायल करना है 66611 है, ठीक है जी। हम चेक करते हैं कि हमारी सिम पे कौन कौन सी सर्विसेज एक्टिवेट हैं। तो आपने जायज़ की सिम पे इस कोड को डायल करना है, ये बिल्कुल फ्री कोड है, ठीक है जी। आप इस कोड को डायल करेंगे, इससे कोई पैसा वगैरह नहीं कटेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे कह रहा है लिस्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड VAS, तो आपने यहाँ पे एक लिखना है और सेंड कर देना है, ठीक है जी। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी सिम पर कौन कौन सी सर्विसज एक्टिवेट हैं। तो ये देखें जी, हंगामा वीकली, ये 2300 रुपये इसका टैक्स है वीकली बेसिस पे, तो ये सर्विस एक्टिवेट है। आपके यहाँ पे 3 भी शो हो सकती हैं, 4-5 जितनी एक्टिवेट होंगी वो शो होंगी। मेरे नाम पे अभी मेरी सिम पे अभी जो है वो एक ही है, तो यहाँ पे एक ही शो कर रहा है, ठीक है जी। आपके यहाँ पे शायद ना भी हो भी सकती हैं, 2, 3, 4, 5 जितनी भी होंगी, मैं आपको बताता हूँ कि आपने ख़त्म कैसे करनी है। अब हमें ये पता चल गया ये यहाँ पर एक्टिवेट हैं, इन्हीं की वजह से हमारा जो बैलेंस है वो कटता है। आप ही पर इसको ख़त्म करने के 2 से 3 तरीक़ेकार हैं, ठीक है जी। एक तो आप हर सर्विस का अलग अलग से कोड है, उसको डायल करके जो है वो आप ख़त्म करेंगे, लेकिन वो काम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगी कि कैसे कैसे आपने उसको ख़त्म करना है, लेकिन इसका सिंपल और आसान तरीक़ेकार मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने जायज़ के नुमाइंदे से बात करनी है, जायज़ के हेल्पलाइन पर 111 जैसे ही डायल करेंगे ना जायज़ की सिम पर, तो आपने कॉल करनी है जायज़ नेटवर्क के हेल्पलाइन पर, ठीक है जी। आपने नुमाइंदे से बात करनी है, उसको कहना है कि मेरे सिम पे जो है वो सर्विसेज एक्टिवेट है जिनकी वजह से मेरा बैलेंस कटता है, तो आप इन तमाम सर्विसेज को जो है वो डीएक्टिवेट कर दें, ख़त्म कर दें, वो आपकी तमाम सर्विसेज जो है वो 2 मिनट के अंदर जो है वो ख़त्म कर देगा, ठीक है जी। अब आपने जब ये आपकी सर्विस ख़त्म हो जाए तो इसके बाद आपने कोड डाल करना *275#, ये बिल्कुल फ्री कोड है, इसके भी कोई चार्जेस नहीं है, ये जायज़ का बैलेंस सेवर कोड है। इस कोड को डायल करने से अगर आपका इंटरनेट ऑन है, पैकेज भी नहीं है, तो आपने मोबाइल डाटा ऑन कर दिया और आपके पास बैलेंस है वो कभी भी नहीं कटेगा, ठीक है जी। चाहे इंटरनेट आप इस्तेमाल भी करेंगे, आपका इंटरनेट चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका पैकेज भी नहीं है और आपका इंटरनेट भी नहीं चलेगा, और आपका जो बैलेंस है चाहे 200 रुपया 300 रुपया वो कभी भी जो है वो कटेगा नहीं, ठीक है जी। जब तक आप पैकेज नहीं लगाएंगे आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये कोड आप लाजम से डायल करना, इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर फिर भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब देंगे। शुक्रिया।